अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सैंडविच। उसके लिए हमने चार आलू उबाल के रख लिए हैं। ये हमने एक प्याज इसमें डाल दिया बारीक काट के, साथ ही इसमें हमने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। दो मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। एक चम्मच हमने इसमें नमक डाल देना है, एक ही चम्मच हमने इसमें ज़ीरा और एक ही चम्मच हमने इसमें दादर किया हुआ धनिया डालना है। एक चम्मच हमने इसमें दादर मिर्च डाल देनी है। एक चम्मच हमें इसमें काली मिर्च डालेंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से हमने इनको मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के सैंडविच हमारे तैयार होंगे। ये देखिए, इस तरह हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिए। इस तरह हम इनकी टिक्कियाँ बना लेंगे। हाथों को हम हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने टिक्कियाँ तैयार कर लेनी है। इसी तरह हम अब सारी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इनको तैयार कर लेना। ये सारी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम ब्रेड लेंगे। ये हमने ग्लास एक ले लेंगे, उसकी मदद से ये देखें, इस तरह हमने इनको साइडों से उतार देना है। और ये देखें, हमने एक साइड पे हम मायोनीज लगाएंगे और एक साइड पे हम केचप लगा लेंगे। इसके ऊपर हम मायोनीज लगा लेंगे और दूसरी ब्रेड पे हम केचप लगा लेंगे। ये बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे रमज़ान में। जैसे कि बच्चों ने सारा दिन का रोज़ा रखा होता है, तो उनके लिए हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बनाएं कि उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं। इस तरह हमने एक एक टिक्की लेनी है। इसके ऊपर हमने वो टिक्की रख के दूसरी हमने ब्रेड रख देनी है। ये हमने मेज़ा तैयार किया हुआ है। इसमें हमने डाला है बेसन और थोड़ी सी हमने सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक डाला है। अब हमने इसके ऊपर वो लगा के गरम मसाला लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने गरम मसाले लगाने हैं। ये हमने सारे तैयार कर लिए हैं सैंडविच। कढ़ाई हमने रखी हुई है, ऑयल हमारा गरम हो गया। अब इस तरह हम इनको डाल के निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने इनको फ्राई करना, डीप फ्राई करेंगे हम। ये देखें, इस तरह माशाल्लाह ये हमारी तैयार हो गई। इनको हम निकाल लेंगे। ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, आप भी इनको बना के ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, हमने निकाल लिया। अब इनको हम कट लगा लेंगे। आप भी बना के ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मैं कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जजाकअल्लाह।